तो अब हम बढ़ते हैं कंसीडरेशन की ओर। कंसीडरेशन का मतलब क्या है? तो वैसे तो आपको पता है, बहुत अच्छे तरह से आप इसको जानते हैं, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो भी लिखित रूप में नहीं, बदले में। वो रिटर्न अलग होता है, रिटर्न और रिटर्न यानी वापस देना, ठीक है। तो रिटर्न का अलग अलग मतलब होता है, खैर शब्दों के मतलब अलग है। वो क्या शब्दों को समझेगा जो कभी खामोशी ना समझ पाया। चलो ठीक है, ठीक है। तो ए ने बी को पूछा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में? बी ने बोला हाँ। बी ने बोला हाँ हाँ होता है कभी कभी बोलते हैं, मेरे को कभी कोई ना नहीं बोलता, पता है आपको। हाँ कितना अच्छा है ना, लकी हूं मैं। एक बार एक लड़के को पूछा था, क्या तू मुझसे शादी करेगी? 3 बार हाँ बोली थी, मेरे को अभी तक नहीं समझा क्यों ऐसा बोली थी। हाँ 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 क्यों बोली थी पता नहीं, अभी भी नहीं समझा। तो 3 बार हाँ, देखो कितना सही ना। पॉजिटिव लेना चाहिए कोई भी चीजों को, ठीक है। चलो हाँ, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो ए ने बी को पूछा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में? बी ने बोला हाँ। तो बताओ बी को कंसीडरेशन में क्या मिला? कार मिली, क्योंकि उसने दिया था 1 लाख रुपए, बदले में क्या मिला? कार। ए को क्या मिला? तो कार के बदले में 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए इज द कंसीडरेशन फॉर ए। बस खत्म हो गया, बस खत्म। चलो अरे नहीं बचा है अभी, तो ऐसा है। तो कंसीडरेशन, कंसीडरेशन इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 बोलता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 10 को तोड़ते जा रहे हैं अपन, तो अभी तो और बहुत कुछ तोड़ना बचा है, तो ये तोड़ फोड़ करते रहेंगे अपन। तो सेक्शन 10 क्या बोलता था? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। बस उसी के ऊपर अब अपन पढ़ रहे हैं, लॉफुल कंसिडरेशन। तो लॉफुल कंसिडरेशन यानी क्या, ठीक है। बाकी भी चीजें देखेंगे, अभी हमने ऑफर एक्सेप्टेंस देखा, फिर लॉफुल कंसिडरेशन, फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज आएगा, फिर फ्री कंसेंट आएगा। तो एक एक करके अपन सब देखेंगे, फिर वॉइड एग्रीमेंट्स आएगा, वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बनना कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे? सेक्शन 10 वहां पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, अलग स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, देखेंगे। तो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा हाँ एसेंशियल है, पढ़े अपन ने, तो एसेंशियल एलिमेंट है, जरूरी है, जरूरी चीजें, ठीक है। इट इज अ नॉर्मल बैज ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। बैज ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का मतलब, अगर कंसिडरेशन है तो हम बोलेंगे एनफोर्सेबल है, नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल बैज, नॉर्मली अगर कंसिडरेशन रहेगा तो वैलिड रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, ठीक है। ये नॉर्मल है, जनरल रूल, हमेशा ये नहीं लगेगा। कभी कभी विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेंगे, कुछ कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वैलिड है, ठीक है। अपन देखेंगे वो भी क्या क्या है। तो कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जब विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होते हैं, बट बाकी सब केसेस में कंसिडरेशन जरूरी होगा। गिनती के कुछ एक्सेप्शन है, वो भी अपने को देखना है, ठीक है। तो लिखिए, सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शन एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिएबल। आप पूरा नहीं करवा सकते अनलेस ईच पार्टी टू द एग्रीमेंट गेट समथिंग, दिस समथिंग इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ये जो कुछ तो भी है ना, ये कंसिडरेशन है, कुछ तो भी। तो ये कुछ तो भी क्या है, ये देखेंगे अपन, समथिंग, ठीक है, समथिंग यानी कुछ तो भी। तो कुछ तो भी है, देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विड प्रो क्यो। तो इसको ही हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यो, ठीक है। तो ये क्वाइड नहीं है, क्वाइड प्रो क्याओ ऐसा कुछ नहीं है, क्विड प्रो क्यो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो कंसिडरेशन मीन्स एक एसेंशियल एलिमेंट, बस इतना सा यहां पे बताया। तो ये आपको इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्या आएगा वो मैं बताऊंगा। फिर अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड न्यूडम पेक्टम, द लॉ विल नॉट एनफोर्स अ बेयर प्रॉमिस। यानी अगर कंसिडरेशन नहीं है तो आप उसको पूरा नहीं करा सकोगे, बट ओनली अ बार्गेन दैट इज अ प्रॉमिस सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। बदले में दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको याद होगा सेठ जी और बाबा जी वाला एग्जाम्पल, याद है क्या? बाबा जी सेठ जी, सेठ जी बोलते हैं प्रवचन करो, प्रवचन चालू होता है, सब मुंह माया है। बाबा जी बोलते, सेठ जी बोलते डोनेशन, डोनेशन दे दूंगा, बाद में भूल जाते हैं, फिर से मोह माया आ जाती पूरी। तो फिर बोला जाता है पैसे दो, वो बोलते नहीं दूंगा, झगड़ा होता, कोर्ट जाते, कोर्ट बोलता पैसे रिकवर नहीं किए जा सकते, क्योंकि बाबा जी तुम बदले में क्या दे रहे हो? तो बाबा जी बदले में कुछ नहीं देते, तो इसीलिए कंसिडरेशन मौजूद नहीं होता, ठीक है।
तो ये हमने देखा था। तो दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, सेठ जी को भी बदले में कुछ मिलना चाहिए अगर वो 2 लाख रुपए दे रहे हैं तो, ठीक है। तो डोनेशन करने का वादा करना ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा है, हाँ, द लॉ विल नॉट एनफोर्स अ बेयर प्रॉमिस, यानी वो बेयर प्रॉमिस जिसमें कुछ कंसिडरेशन नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति ने वादा किया है, उसको आप एनफोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है। फिर बट ओनली अ बार्गेन दैट इज अ प्रॉमिस सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, यानी जब दोनों जन ने कुछ ना कुछ बार्गेन किया, एग्री किया, तब जाके वो एनफोर्स किया जा सकेगा, बोथ द पार्टी शुड गेट समथिंग, ठीक है। तो ये वही बोला है कि दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए बदले में, ठीक है, तो वही एनफोर्स किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू पॉलक, पॉलक एक है क्रिकेट खेलता था, नहीं वो नहीं है, तो ये दूसरा है पॉलक। ये पॉलक क्या बोलता है, तो लोग बोलते हैं अपने को पढ़ना पड़ता, आप इको में भुगत चुके हैं, लोगों ने बोल के गए आपको पढ़ते रहना पड़ रहा है, देखे ना उसमें एडम स्मिथ आया कुछ बोला, फिर मार्शल आया कुछ बोल रहा है, पिगू आएगा, रॉबिन्स आएगा, बोलते जाएंगे, अपन पढ़ते जा रहे बेचारे, क्यों बोलते पता नहीं, लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखो दिया है, अकॉर्डिंग टू पॉलक, पॉलक ने बोला कंसिडरेशन इज द प्राइस, ये वो कीमत है फॉर विच द प्रोमिस ऑफ द अदर, जिससे आप दूसरे का वादा खरीदते हैं, इस बॉट, तो दूसरे के वादे की कीमत, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कोई काम का नहीं है, पॉलक ने क्या बोला तो अपन देखेंगे, यानी वादा खरीदने के बदले, वादे के बदले, जैसे आपको वादा मिला कि आपको टीचिंग मिलेगी, टीचिंग यानी आपको सर्विस मिलेगी, पढ़ाई आपकी यहाँ पे करा के दी जाएगी, तो आपको वादा मिला, उसके बदले आपने पैसा दिया, ठीक है, तो पैसे के बदले आपने वादा कमाया, तो इसको भी हम बोलते हैं कंसिडरेशन, ठीक है। तो वादा भी हो सकता है, जनरली आप देखोगे कोई चीज मिल रही है, बट हमेशा चीज नहीं मिलेगी, ठीक है, कभी कभी रहेगा सिर्फ प्रॉमिसेस मिल रहे हैं, जैसे शादी है, शादी बताया था मैंने, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों एक दूसरे को वादा कर रहे हैं, सिर्फ वादा मिल रहा है, ये वादा फेंक रहा, वो वादा फेंक रही, तो दोनों जन एक दूसरे से वादे कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम फेंके जा रहे ना, हाँ, तो सच थोड़ी होते हैं, झूठ है सब, ये सब जितने वादे होते हैं सब कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या, खैर ऐसा नहीं होता, यानी बातें हैं, लेकिन जिसको रहना है वो रहता ही अच्छे से, जिसको नहीं रहना है कितने भी वादे करो छोड़ के चले जाते हैं, तो खैर ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे को मत देखो, ठीक है। हाँ, तो कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट, तो वादे के बदले वादा भी हो सकता है, दोनों जन सिर्फ वादे कर रहे हैं, तो ये भी कंसिडरेशन है, ठीक है। तो अपन देखेंगे, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, पूरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, अभी तो हम डेफिनेशन पे आए ही नहीं, ये जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे अपन, ठीक है। फिर कंसिडरेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन एलिमेंट ऑफ एक्सचेंज, एलिमेंट ऑफ एक्सचेंज है, एलिमेंट ऑफ एक्सचेंज है ना, वही दोनों बदले में कुछ ना कुछ एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। एक इंग्लिश केस था क्यूरी वर्सेस मिसा का, इसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, एक पार्टी को फायदा और दूसरे पार्टी को नुकसान, ये भी कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखो दिया है, इन इंग्लिश केस क्यूरी वर्सेस मिसा 1875 आपके एक्ट बनने के पहले का है, नहीं बाद का है, बस दो तीन साल बाद का है, ठीक है। तो इसमें डिफाइन किया गया है, कंसिडरेशन वॉज डिफाइंड एज सम राइट, तो देखो एक के लिए अधिकार, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अधिकार, ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट, ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, ठीक है। तो कंसिडरेशन वॉज डिफाइंड एज सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी, एक पार्टी के लिए फायदा, और सम फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस है ना छोड़ देना, डेट्रीमेंट लॉस, डेट्रीमेंट लॉस है ना कोई भी नुकसान, डेट्रीमेंट का मतलब लॉस ही होता है, ठीक है, तो डेट्रीमेंट लॉस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सफर्ड और अंडरटेकन, कोई जिम्मेदारी, जिम्मेदारी भी हो सकती है, तो दूसरे पार्टी के लिए क्या होता है, बाय द अदर, सिर्फ नुकसान, तो एक पार्टी को फायदा और दूसरे पार्टी को नुकसान, ये भी कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं दोनों को फायदा मिले, कुछ तो भी मिलना चाहिए, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं रहेगा फायदा ही मिलेगा, ठीक है, तो कुछ तो भी वादा मिलना चाहिए। तो यहां पे हो सकता है एक पार्टी को सिर्फ फायदा हो रहा है, दूसरे को सिर्फ नुकसान हो रहा, तो भी ऐसे केसेस में इट विल बी अ वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। जैसे कि समझो मैं बहुत सिगरेट पीता हूं, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अगर हो तो क्या है, इतनी तो समझो मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, अब आपको बड़ी फिक्र है यार, सर को कुछ हो गया तो क्या होगा अपना, तो अपने को पास हो जाए फिर जाए तो चलता, तो आपको बड़ी फिक्र है। अब आपने एग्री किया, सब लोगों ने, सब लोग आप मिल के डिसाइड करते हैं, सब लोग 10-10 हज़ार रुपये जमा करेंगे, और आप लोग बोलते हैं सर
आप एक काम करो, आप जब तक हमारी क्लास चल रही है सिगरेट पीना छोड़ दो। अगर आप सिगरेट पीना छोड़ देते हैं तो हम सब 10,000 रुपये जमा करके आपको 5 लाख रुपये देंगे। तो मेरे को 5 लाख रुपये मिलने वाले। मैंने बोला चलो भाई अच्छा अच्छी बात है। तो मैंने दिल पे पत्थर रख के सिगरेट को ना बोल दिया। तो ऐसी केस में देखो, मैंने कुछ तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ा, कुछ तो भी चीज छोड़ देना, डिट्रीमेंट, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे फॉरबियरेंस है ना, छोड़ देना, ठीक है। एक हिसाब से देखो तो मेरे को फायदा ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को सिर्फ बेनिफिट है। पैसा भी मेरे को मिल रहा है, हेल्थ भी मेरी अच्छी होने वाली है, और आपको नुकसान है, आपका पैसा जा रहा, ठीक है। बट इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी अ वैलिड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बेनिफिट टू वन पार्टी एंड फॉरबियरेंस टू दी अदर, ठीक है, लॉस टू दी अदर। तो एक पार्टी को फायदा, दूसरे को नुकसान, ये भी पूरी तरह से वैलिड कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल में अपन देखेंगे कि नुकसान कैसे हो सकता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये पहले बताया गया था थ्योरी वर्सेज मिसा में। इन सिंपल वर्ड्स, इसी को आसान शब्दों में बोला, कंसिडरेशन इज अ बेनिफिट टू वन पार्टी और अ डेट्रीमेंट टू अदर। डेट्रीमेंट मीन्स लॉस, ठीक है, एक पार्टी को फायदा और दूसरे को नुकसान, तो भी कंसिडरेशन वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ऐसा है। और फिर डिफाइन किया सेक्शन 2D में। सेक्शन 2D डिफाइन करता है, अब हमारे अपने एक्ट की ओर, अपने टॉपिक की ओर। तो ये ऊपर जो था ये इंट्रोडक्शन है एकदम। फिर टॉपिक में बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन एज फॉलोज, ठीक है। तो 2D, टू डायरेक्शनल, दोनों जन दे रहा ना एक दूसरे को, 2D, ठीक है। तो यहां पे ये भी दे रहा कुछ, ये भी दे रहा कुछ, तो 2D। तो सेक्शन 2D डिफाइन करता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा याद मत रखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहता, सेक्शन ऐसे नहीं बनाए जाते, अरे 2D है क्या, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हाँ, तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, देखेंगे बहुत डिटेल में देखेंगे। एक एक वर्ड है ना, इसको अपन ने तोड़ा है। आप अगर अगला पॉइंट देखोगे तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कहां से आया, ये जो ऊपर दिया है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, फिर आगे दिया है कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो ये पूरा डेफिनेशन तोड़ेंगे, अपना काम ही है तोड़ना, तो अपन तोड़ तोड़ के देखेंगे, एक एक वर्ड को बहुत तोड़ेंगे। फिर दिया हैज डन, कुछ तो भी कर चुका है, और एब्सटेन्ड, नहीं करना, तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इट कैन बी एन एक्ट और एन एब्सटेनेंस। फिर इट कैन बी डन, डन यानी पास्ट, ठीक है, और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग यानी पास्ट, डज प्रेजेंट, और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग फ्यूचर। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो एक एक करके अपन इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये तोड़ के अपन को पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है, ये इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं आप, इसी को फीचर्स बोलते हैं आप, ठीक है। तो आपने जैसे सेक्शन 10 को तोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन निकाली, यानी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वही कंसिडरेशन की डेफिनेशन तोड़ेंगे और उसको अपन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो एक एक वर्ड पे बहुत डिटेल में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चर्चा है ना, मैं बताऊंगा आप सुनेंगे, चर्चा है ना, ऐसा वार्तालाप नहीं होगा। कभी कभी होता है, आपको डाउट है, आप पूछ रहे, तो आप, मैं बताऊंगा, बट जनरली चर्चा नहीं होती, मैं बताऊंगा आपको, आप सुनेंगे, ठीक है। ऐसा है, तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा पे द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी या कोई अन्य व्यक्ति, हैज डन, उसने कुछ कर चुका है, और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, या फिर नहीं किया है, ठीक है, और डज कर रहा है, और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या नहीं कर रहा है, ठीक है, और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रोमिस कर रहा है कुछ चीज करने या नहीं करने का, समथिंग, सच एक्ट एब्सटिनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। तो वो कार्य जो रहेगा वो प्रोमिस रहेगा, वो कंसिडरेशन रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने मेरे को पैसे दिए और बोले कि सर आप सिगरेट मत पियो, तो ऐसे केस में यहां पे ये कंसिडरेशन है, ठीक है। तो कंसिडरेशन के लिए एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो प्रोमिसी या कोई अन्य व्यक्ति, डिजायर ऑफ प्रोमिसर जरूरी है, मेरी इच्छा पे। अगर आप मेरी इच्छा पे नहीं कर रहे हो, समझो मैं डूब रहा था कहीं और आपने मेरे को बचाया, तो आप पैसे मांग सकते क्या उसके, तो नहीं मांग सकते। मैं डूब रहा था बेचारा, तैरते वैरते नहीं आता है वैसे, बट समझो नहीं आता, मैं डूब रहा हूं और आपने मेरे को हाथ दिए और बचा लिए, तो ऐसे केस में आप मेरे से पैसे नहीं मांग सकते, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि ये एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यहाँ पे पैसे वैसे की इच्छा नहीं थी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो अपन नॉर्मल एक भाई सर है बचा लेना चाहिए, कोई हो सकता है देख रहा है, चलो डूबो, ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी, ठीक है। हाँ, तो यहां पे कंसिडरेशन नहीं रहेगा,
लेकिन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर अगर कुछ ऐसा किया गया है, जैसे मैंने बोला था कि मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आग लगी है, अब मैं बोलता हूं कि वो मेरा एक सूटकेस है, वो सूटकेस कोई लेके आ जाओ, अगर कोई लाके देगा तो मैं 5,000 रुपए दूंगा, तो मेरे बोलने पे कोई व्यक्ति जाता है, एक बीकॉम ग्रेजुएट ने सुना, बेचारा सोच रहा था यार पैसे वैसे कुछ है नहीं, चलो जान पे खेल के वही निकाल के लाते, अब मैंने बोला था कि ये करो मैं तुमको पैसे दूंगा, उसने वो निकाल के लाया, तो यहां पे उसका अधिकार है, वो मेरे से पैसे मांग सकता है। When at the desire of promiser, promisee has done something, ठीक है, तो उसने कुछ कार्य किया है, तो ऐसे केस में ही कैन क्लेम अमाउंट, ठीक है, तो अब वो 5,000 रुपए मांग सकता है, क्योंकि मैंने बोला था, मेरी डिजायर थी कि मैं 5,000 रुपए दूंगा जो भी व्यक्ति ये कार्य करेगा उसको, ठीक है, तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मेरी इच्छा पे वो कार्य किया गया है, ठीक है, तो ये डिटेल में देखने वाले अपन पूरा, कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग या डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, देन सच एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस, ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को तोड़ के अपन आगे पूरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल्स या फीचर्स अपन अभी देखेंगे, तो अगले क्लास में अपन इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, चलो, थैंक यू।